पूर्व सांसद तथा भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल पहुंचे कुंडलपुर। कुंडलपुर महोत्सव की स्थिति का लिया जायजा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। रुक्मणी मठ भी पहुंचे प्रहलाद पटेल, कहा जैसे ही सुरक्षा के होंगे इंतजाम रुक्मणी देवी की मूर्ति होगी स्थापित। नमस्कार, समाचार विस्तार पे। दमोह सांसद तथा भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल कुंडलपुर पहुंचे। उन्होंने कुंडलपुर महोत्सव की तैयारियों का जायजा लिया, आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। स्वागत हुआ है, सत्कार हुआ है और बैठक में उन्होंने सहभागिता निभाई है। किस प्रकार आयोजन होगा इसकी जानकारी प्रहलाद पटेल को प्रदान की गई और उसके बाद प्रहलाद पटेल ने संबंधित विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। ऐसे अवसर पर हमको मशीनरी उपलब्ध हो सकती है तो हमारे पास ले जाएगी, तो जिले का जैसे बाईपास हमको प्रायोरिटी में करना चाहिए, क्योंकि ये समस्या लगातार की है, तो एक स्थायी समाधान उसका होता है। उसमें कितना मुआवजा लगेगा हम उसे हिस्से में डालेंगे। के लोग सौभाग्यशाली है, ऐसे अवसर तब आते हैं जब आदमी के पुण्य जगते हैं। फरवरी के माह में महामहोत्सव होना है और जितनी बड़ी संख्या में परम पूज्य आचार्य श्री के साथ मुनि संघ के लोग जो सैकड़ों की संख्या में होंगे, ऐसा दिव्य छत्र सबको देखने के लिए मिलेगा और ये मंगलकारी होगा और हम सब देखेंगे। ये हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। मैं सभी जनप्रतिनिधियों से, सभी अधिकारीगणों से और तमाम समाज से बोल सकूँ, तो किसी जाति और धर्म को मानने वाले लोग हों, हम सबकी पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए कि दमोह की धरती पर जो आए वो हमारा अतिथि है और वो आदर्श अनुभव लेकर जाए। किसी भी प्रकार की चूक ना हो। हम जिसको भी अपना इष्ट मानते हैं उसके सामने प्रार्थना करें कि ये कालखंड निर्बाध रूप से पूरा हो और ये दिव्य कार्यक्रम संपन्न हो, यही हम सबके लिए सफलता का काम होगा। उसकी प्रारंभिक बैठक आज प्रशासन, जनप्रतिनिधि और ट्रस्ट और व्यवस्था के सब जो अधिकारी हैं उन सबके साथ में हुई है। मैं दिगंबर जैन सभा के सभी पदाधिकारियों का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ का सांसद होने के नाते सभी अधिकारियों को धन्यवाद देता हूँ और मैंने अपेक्षा की है कि हम अपनी जिम्मेदारी को खुद स्वीकारें और अंतिम क्षण तक जब ये कार्यक्रम संपन्न हो हम पूरी निष्ठा के साथ इसमें जुटे। वहीं दूसरी ओर प्रहलाद पटेल पहुंचे रुक्मणी मठ। रुक्मणी मठ की स्थिति का जायजा लिया, वहां पर उन्होंने जाकर पूजन अर्चन किया, दर्शन किए और फिर उन्होंने कहा है कि जैसे ही सुरक्षा के इंतजाम हो जाएंगे, हमको ऊपर से जैसे भी संकेत प्राप्त होंगे वैसे ही रुक्मणी देवी की मूर्ति यहाँ स्थापित कर दी जाएगी। 1950 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का ये स्मारक घोषित हुआ था। 8वीं-9वीं शताब्दी की ये रुक्मणी देवी की प्रतिमा थी जो चोरी चली गई थी। उसको बरामद करने के बाद में वो ग्यारसपुर विदिशा के स्टोर में पड़ी थी। जब मैं सांसद पहली बार बना था तब उस मूर्ति को चिन्हित किया गया और उसके बाद में संयोग बस में बाद में से कल्चर मिनिस्टर होने के साथ उस मूर्ति को दमयंती संग्रहालय में लेकर आए। अब ये क्षेत्र सुरक्षित हो जाए, यहाँ पर दीवारों की का निर्माण वगैरह हो जाए ताकि वो मूर्ति अपने मूल स्थान पर यहाँ पर आ सके। और चूँकि यहाँ पर शमशान घाट की तरह इस क्षेत्र का उपयोग होने लगा है तो वैकल्पिक रूप से जिला प्रशासन ने शमशान घाट के लिए कुंडलपुर के लोगों के लिए जमीन आवंटित की है, उसको और देखेंगे ताकि वहाँ पर अप्रोच हो, ताकि फिर दोबारा इस प्रकार की सुविधा असुविधा किसी को ना हो। ये आज के दिन के भ्रमण का उद्देश्य है। कुंडलपुर अपने आप में एक जैन सिद्ध तीर्थ क्षेत्र है और रुक्मणी देवी का भी अपना एक अलग महत्व है। सनातन धर्मावलंबी इसको महाभारतकालीन उससे जोड़ते देखते हैं और रुक्मणी देवी की यहाँ से मूर्ति जो चोरी हो गई थी वह मूर्ति लंबे समय बाद बरामद हुई और फिर उसके बाद एक लंबे संघर्ष के बाद
प्रयास के बाद यह मूर्ति दमोह को प्राप्त हुई है, जो वर्तमान में संग्रहालय में रखी हुई है। देखते रहिए LNB TV, जुड़े रहिए हमसे। मिलते हैं फिर एक नए समाचार के साथ। नमस्कार।